नमस्ते बच्चों, आज हम हमारे पाठ्यपुस्तक स्पर्श में से नई पोयम सीखने जा रहे हैं जो लिखी है मैथिली शरण गुप्त जी ने, जिसका नाम है मनुष्यता। बच्चों, इस मनुष्यता का कविता को पढ़ने से पहले हम मैथिली शरण गुप्त जी के बारे में कुछ जानकारी हासिल करेंगे। मैथिली शरण गुप्त जी राष्ट्रकवि माने जाते हैं, उन्हें राष्ट्रकवि का दर्जा दिया गया है। मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म झांसी के नज़दीक चिरगांव में हुआ था। इनकी शिक्षा दीक्षा घर पर ही हुई। अंग्रेजी, संस्कृत, बांग्ला, मराठी भाषा पर इनका समान अधिकार था। उन्हें अपनी कविता के माध्यम से भारतीय जीवन को समग्रता में समझने और प्रस्तुत करने का भी यथासंभव प्रयास किया है। बच्चों, मनुष्य के अंदर मनुष्यता के जो गुण हैं वो कौन से हैं और किस तरह से एक मनुष्य मनुष्य कहलाता है, उसके बारे में इस पाठ में यानी इस कविता में मैथिली शरण गुप्त जी ने हमें परिचय करवाकर दिया गया है कि आखिर मनुष्यता होती क्या है। बच्चों, इस कविता को पढ़ने से पहले हम इसका पाठ परिचय देखते हैं। इस प्रस्तुत कविता में मनुष्य को परोपकार, राष्ट्रहित और उदारता की भावना को अपने जीवन में अपनाने के लिए प्रेरित किया गया है। इस कविता में स्व की भूमि से उठकर पर की भूमि तक जाने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को संबोधित किया गया है। कवि ने मानवता यानी मनुष्यता के पूरे पूरे लक्षण उसी मनुष्य में माने हैं जिनमें अपने और अपनों के हित चिंतन से कई पहले और सर्वोपरि दूसरों का हित चिंतन है। सर्वोपरि दूसरों का हित चिंतन हो। इस पाठ का यानी इस कविता का पहला काव्यांश को हम पढ़ते हैं। विचार लो कि मर्त्य हो न मृत्यु से डरो कभी। विचार लो कि मर्त्य हो न मृत्यु से डरो कभी। मरो परंतु यू मरो की याद जो करे सभी। हुई न यू सुमृत्यु तो वृथा मरे वृथा जिए। मरा नहीं वही कि जो जिया न आप के लिए। वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। बच्चों, यहाँ पर मर्त्य यानी मरणशील, जिसका मरण तय है। सुमृत्यु यानी गौरवशाली मृत्यु। वृथा यानी बेकार, व्यर्थ। पशु प्रवृत्ति यानी पशु जैसा स्वभाव। चरे यानी उदर पूर्ति करना, यानी अपना भोग करना, यानी खान पान के लिए, यानी अपने पेट के भूख मिटाने के लिए भूख मिटाना। तो इस तरह से यहाँ पर इसका अर्थ है। अब देखते हैं इसका भावार्थ। इस प्रस्तुत पंक्तियों में कवि मनुष्य जीवन के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहते हैं कि मानव जीवन नश्वर है, मनुष्य मरणशील है। जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु भी अवश्य होनी ही है। इसीलिए जब मृत्यु निश्चित है तो फिर उससे भयभीत नहीं होना चाहिए। हमारी मृत्यु ऐसी होनी चाहिए कि मृत्यु के उपरांत भी लोग महान कार्य के लिए हमें सदैव स्मरण करें। कोई ऐसा महान और गौरवशाली काम करते करते मरो ताकि तुम्हारी मृत्यु भी गौरवशाली मृत्यु कहलाएगी। हमारी मृत्यु के पश्चात लोग हमें याद नहीं करते और हमारी याद में आंसू नहीं बहाते, तो हमारा जो जीवन है वो मरण, जो हमारा जीवन मरण दोनों ही व्यर्थ हैं। हमारी मृत्यु भी
लोक कल्याण के हितार्थ होनी चाहिए। जो मनुष्य अपने जीवन में लोक मंगलकारी कार्य में अपना समय नहीं बिताते, उनका जीवन पशुतुल्य होता है, यानी पशु के जैसा ही होता है, क्योंकि मात्र पशु ही अपने व्यक्तिगत स्वार्थ की पूर्ति हेतु ही जीवन जीता है। क्योंकि मनुष्य का जीवन पशुतुल्य होता है क्योंकि पशु केवल अपने व्यक्तिगत स्वार्थ की पूर्ति हेतु ही जीवन जीता है। सच्चा मनुष्य वही है जो संपूर्ण मनुष्यता के लिए जीता है और उसके लिए ही मरता है। इसीलिए वास्तव में मनुष्य कहलाने का अधिकार उसी को है जिसमें स्वार्थ भाव के स्थान पर परमार्थ भाव है, यानी परोपकार है, जो दूसरों की हित पूर्ति के लिए अपना जीवन जीता है। तो बच्चों, इस पहले काव्य पंक्तियों में मनुष्यता का पहला गुण बताया गया है और यही बताया कि परोपकार करना सीखो, ऐसे जीना है जिससे हमारी मृत्यु के बाद भी हमें लोग याद करें और वो भी अपने जो कार्य है उस कार्य द्वारा लोग हमें याद करने चाहिए, तो ही इस संसार में हमने कुछ पाया है, यही हमारा जीवन इस धरती पर सफल हो जाएगा, यही यहाँ पर कवि को कहना है। अब हम देखते हैं काव्यांश का दूसरा भाग, उस पंक्तियों को पढ़ते हैं। उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती, उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती, उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति कुंजती, तथा उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती। अखंड आत्मभाव जो असीम विश्व में भरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। बच्चों, यहाँ पर उदार यानि दानी, बखानना यानि वर्णन करना, धरा यानि धरती, कृतार्थ यानि धन्य होकर, कीर्ति यानि यश, संसार सृष्टि ब्रह्मांड, कुंजती यानि गूंजती, पूजती यानि सम्मान करना, असीम यानि अनंत विशाल, विश्व यानि संसार, अखंड आत्मभाव यानि सब में अपना दर्शन करना। तो चलो बच्चों, देखते हैं इस काव्यांश का भावार्थ क्या है। इस प्रस्तुत पंक्तियों में भी कवि ने उदारता के भाव पर प्रकाश डालते हुए कहते हैं कि सरस्वती उसी उदार मनुष्य के गुणगान करती है जो इस अनंत संसार के साथ अखंड आत्मीयता रखता है। अब सरस्वती यानि बच्चों किताब है, किताबों में उसी की उदारता लिखी जाती है जो संसार के साथ अखंड आत्मीयता रखता है। पृथ्वी भी ऐसे उदार व्यक्ति के प्रति ही कृतज्ञ होती है, संसार भर में उसकी कीर्ति का यशोगान होता है, सब व्यक्ति उस उदार चेतना का सम्मान करते हैं। कवि का मानना है कि यही वह भाव है जिससे वैश्विक एकता और अखंडता को एक नई दिशा मिलती है। वही मनुष्य सच्चे अर्थों में मनुष्य कहलाता है जो मनुष्यता की रक्षा के निमित्त अपने प्राणों का बलिदान भी देते हैं। तो बच्चों, अगर हम यही देखते हैं कि जो हम किताबें पढ़ते हैं, भाषाओं की किताबें पढ़ते हैं, उन किताबों में उसी के बारे में लिखा होता है जिन्होंने इस तरह से उदार मतवादी के साथ लोगों की सेवा की है और अखंड विश्व को अपना मानकर उसके लिए केवल वो जिए हैं, अपना बलिदान दिया है। ऐसे ही व्यक्तियों की गुणगान सरस्वती यानी किताबों में उनका लेख लिखा जाता है, जैसे कि आज भी हम याद करते हैं हमारा इतिहास, इतिहास में ऐसे ही लोगों की कहानियाँ लिखी हुई हैं जो कीर्तिवान हैं, जिसके लिए कृतज्ञता मानी गई है इस पृथ्वी ने, इस संसार ने, उनकी जो
उदारता भाव हैं, उस उदारता को बखान करने के लिए किताबों में उनका उल्लेख किया गया है। और उनका जो नाम है वो चारों तरफ गूंजने के लिए उसे इस तरह से किताबों में लिखकर सब लोगों के सामने पेश किया गया है। इस कविता का तीसरा काव्यांश को अब हम पढ़ते हैं। शुक्तार्तरंति देव ने दिया करस्त थाल भी, तथा दधीचि ने दिया परार्थ अस्थि जाल भी। उसी नर क्षितिज ने स्वमास दान भी किया, सहर्ष वीर कर्ण ने शरीर चर्म भी दिया। अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्या डरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। बच्चों, यहाँ क्षुधार्त यानि भूख से पीड़ित, रंतिदेव यानि एक दानवीर राजा का नाम है, करस्त यानि हाथ में, दधीची एक प्रसिद्ध ऋषि जिन्होंने देवताओं के कल्याणार्थ अपने अस्थियाँ यानि अपनी हड्डियों को इंद्रों को दे दी, जिससे एक वज्र यानि हथियार बनाकर इंद्र ने वृतासुर को हराया, यानि वृतासुर नाम के राक्षस को हरा दिया, उसका वध किया। अस्थिजाल का अर्थ है कंकाल, हड्डियों का ढांचा। उशीनर यानि गांधार का राजा था। क्षितिश यानि नृप यानि राजा। स्वमास यानि अपने शरीर का मांस। सहर्ष का अर्थ है प्रसन्नता पूर्वक। कर्ण यानि कुंती का पुत्र, जो महाभारत में आपने देखा है। शरीर चर्म यानि कवच कुंडल। अनित्य यानि नश्वर। अनादि यानि अमर। जीव यानि आत्मा। तो देखते हैं इस तीसरे काव्यांश का भावार्थ क्या है। अच्छो, कवि ने यहाँ पर उन परमदानी राजा रंतिदेव जो थे, उनके बारे में यहाँ पर बताया गया है कि रंतिदेव बहुत भूखे थे, भूख से व्याकुल हुए थे, और ऐसे व्याकुल होते हुए भी उन्हें उनके सामने जब भूखे व्यक्ति को वो बच्चों यहाँ पर भावार्थ में हम देखते हैं कि कवि ने उन दानी व्यक्तियों के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है। सबसे पहले उन्होंने रंतिदेव राजा के बारे में बताया है, जो खुद भूख से व्याकुल है और बड़े दिनों के भूखे थे, और उनके सामने भोजन का एक थाल आ गया है, और एक कौर वो अपने मुंह में मींस खाने के लिए डालने वाले थे, लेकिन उसी समय उनके सामने एक भूखे व्यक्ति आकर भिक्षा मांगता है। तब उन्होंने भूखे व्यक्ति के भूख को मिटाने के लिए उन्होंने अपने सामने परोसा हुआ भोजन का जो थाल था वो उसे दान के रूप में दे दिया। तो बच्चों यहाँ पर खुद भूखा रहकर उन्होंने दूसरे एक भूखे व्यक्ति के भूख को मिटाने का बहुत बड़ा पुण्य का काम इस रंतिदेव ने किया था। दूसरे हैं दधीची। दधीची नाम के जो ऋषि मुनि थे, उन्होंने भी इसी तरह से जब देवताओं और राक्षसों में महायुद्ध चल रहे थे और देवताएं परेशान हो गए थे उस राक्षस को मारने के लिए, लेकिन वो किसी भी हालत में उसका अंत नहीं हो रहा था, तब वे परेशान होकर दधीची ऋषि मुनि के पास आए। दधीची मुनि से उन्होंने प्रार्थना की, अगर आपके अस्थिजाल से हम हथियार बनाएंगे तो उससे इस राक्षस का वध हो जाएगा और सभी पृथ्वी पर रहने वाले जो लोग हैं वो उसके अत्याचार से मुक्त हो जाएंगे। बस यही बात सुनकर दधीची ऋषि मुनि ने बिना किसी
विचार किए, अपने आप उन्होंने अपने योग बल से देवताओं के विजय के लिए अपने योग बल से अस्थि पंजर को भी दान कर दिया। गांधार देश में राजा उशीनर ने एक पक्षी के प्राण बचाने के लिए अपने शरीर का मांस दान कर दिया। कुंती पुत्र जो कर्ण थे, उसने भी अपने केवल वचन की रक्षा के लिए अपने शरीर के अंग कवच और कुंडल भी दान कर दिया। यह पता होते हुए भी कि यह कवच कुंडल जो हैं वो निकालने के बाद, दान करने के बाद जो कर्ण है उसका अंत निश्चित हो जाएगा। जब तक ये कवच कुंडल उसके पास है, तब तक कर्ण जो था उसे जो मृत्यु का भय नहीं था, लेकिन फिर भी केवल अपने वचन को पूरा करने के लिए, रक्षा करने के लिए उसने अपने इस शरीर से कवच कुंडल जो है उसे उतार कर दान के रूप में दे दिया। यह संसार नश्वर है और मानव शरीर भी एक क्षणभंगुर ही है, इसीलिए भयभीत होने से कोई लाभ नहीं है। अर्थात जब आत्मा अमर है तो फिर मनुष्य को इन नश्वर शरीर के नष्ट होने से भय नहीं होना चाहिए। अतः सच्चा मनुष्य वही है जो संपूर्ण मानव जाति के लिए जीता है और मरता है। तो यही उसकी क्या है, उसका सच्चा जीना है। क्योंकि अगर जो मनुष्य दूसरों के लिए जीता है, दूसरों के लिए जीता है और उसे पता है कि मृत्यु के बाद वो अमर ही रहेगा उसके कार्य के द्वारा, इसीलिए ये जो रंतिदेव है, दधीची ऋषि मुनि है, उशीनर राजा है, दधीची ऋषि मुनि है, कर्ण है, इन्होंने अपने आप को यानी अपने नष्ट होने का बिल्कुल भय न करते हुए केवल मानव जाति के लिए ही अपना सर्वस्व अर्पण कर दिया था। हमारा चौथा काव्यांश इस तरह से है। सहानुभूति चाहिए महाविभूति है यही, वशीकृता सदैव है बनी हुई स्वयं मही। सहानुभूति चाहिए महाविभूति है यही, वशीकृता सदैव है बनी हुई स्वयं मही। विरुद्धवाद बुद्ध का दया प्रवाह में बहा, विनीत लोक वर्ग क्या न सामने झुका रहा। हाय वही उदार है परोपकार जो करे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। बच्चों सहानुभूति का अर्थ है एक दूसरे के प्रति दुख के भाव को अनुभव करना। महाविभूति यानी महान व्यक्ति की गुणरूपी पूंजी। वशीकृता यानी समोहित करना। मही यानी पृथ्वी। विरुद्धवाद यानी विरोधी बातें। विनीत यानी झुका हुआ। लोक वर्ग यानी लोगों के विभिन्न वर्ग। देखते हैं इस चौथे काव्यांश का भावार्थ। यहाँ पर कवि मैथिली शरण गुप्त ने इन पंक्तियों में सहानुभूति और परोपकार की भावना व करुणा को मनुष्यता का सर्वोत्तम गुण मानते हैं। कवि ने इसी गुण को महाविभूति के नाम से विभूषित किया है। सहानुभूति एक श्रेष्ठ गुण है। दूसरों के दुख को अपना दुख मानना और उसी के अनुसार आचरण करना मनुष्य की संचित पूंजी है। पृथ्वी भी ऐसे महान मनुष्य की सेवा करती है। सहानुभूति के गुण से सुसज्जित ऐसे मनुष्य को ही पूजनीय माना जाता है। महात्मा बुद्ध का तत्कालीन समाज उनका विरोधी था। तत्कालीन समाज यानी उस समय का जो समाज था वो उनका विरोधी था, परंतु उनकी दया भावना, सत्य, अहिंसा, प्रेम भावना जो थी, उससे भावनाओं ने विरोध के स्वर को धूमिल कर दिया। जो व्यक्ति उनके कट्टर विरोधी थे वे भी उनकी महानता के सामने नतमस्तक हो गए और बौद्ध धर्म अपनाया। व्यक्ति के अनुसार
वही मनुष्य मनुष्यता के गुणों का प्रतिनिधित्व बन सकता है जो उदार तथा परोपकारी है। दूसरों के हितार्थ अपना त्याग करने वाला मनुष्य ही बुद्ध जैसा महान व परोपकारी बन सकता है। सच्चा मनुष्य वही है जो अन्य मनुष्य के काम आता है तथा सबके लिए जीता मरता है। बच्चों, यहाँ पर उन्होंने महात्मा गौतम बुद्ध के बारे में उनकी उदारता, उनका परोपकार किस तरह से था, इसके बारे में उन्होंने बताया। खुद महात्मा गौतम बुद्ध एक राजपाट घराने से थे, लेकिन केवल लोगों के जीवन की जो दुख थी, पीड़ा थी, उससे वो सहन नहीं कर पाए और उसी दुख को, पीड़ा को दूर करने के लिए उन्होंने अपने राजपाट का त्याग किया और लोगों के इस दुखों को दूर करने का मार्ग ढूंढने के लिए उन्होंने संन्यास लेकर वे वन चले गए थे और वहीं पर उन्हें ज्ञान बोधि ज्ञान प्राप्त हुआ और उस समय उन्होंने शांति, दया भाव और उदारता, परोपकार ही लोगों को सिखाया। उस समय लोगों ने उनका विरोध किया, लेकिन वही विरोध करने वाले लोगों ने भगवान गौतम बुद्ध के इस महान कार्य को जब सच्चाई से जाना, पहचाना, तब वही उनके सामने झुके और उनके अनुयायी बने और उन्होंने उस धर्म का स्वीकार किया। तो इस तरह से यहाँ पर उन्होंने बुद्ध की महानता को प्रकट करते हुए कहा है कि ऐसे ही व्यक्ति जो होते हैं, जो मनुष्य के काम आते हैं और उसके लिए ही केवल जीते हैं, मरते हैं, क्योंकि भगवान बुद्ध केवल लोगों के लिए, उनके दुखों को दूर करने के लिए जिए और उनके लिए ही वे मृत्यु हुए। तो इस तरह से बच्चों, आज हम मनुष्यता इस कविता के इन चार काव्यांशों को ही पढ़ते हैं और जो हमारे अगले चार काव्यांश हैं उसे हम दूसरे पार्ट में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।